तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो बाउंड्री वॉल है इस पर हम लोगों ने व्हाइट वॉश कराई हुई है, आधी वॉल की हुई है आधी नहीं की हुई है। इसका रीज़न क्या है? बहुत ही अच्छा रीज़न है। आप देखिएगा, आप बगल में देखिए, हमारी जो बाउंड्री वॉल है ये नई बनी है, न्यू कंस्ट्रक्शन है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम जो भी मटेरियल इसके ऊपर यूज़ करेंगे, डायरेक्टली जो भी हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे, चाहे इमल्सन हो, चाहे डिस्टेंपर हो, चाहे कोई भी हो, तो अब क्या होगा, वो दीवार उसको एब्जॉर्ब करेगा, जो वॉल है उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और फिनिशिंग नहीं आएगी, हमें 2 या 3 कोट करना पड़ेगा। उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, फर्स्ट कोट इसके ऊपर हम लोगों ने कर दिया व्हाइट सीमेंट। अब व्हाइट सीमेंट को नॉर्मली इसको पानी में घोल के हम लोगों ने नहीं इसके ऊपर अप्लाई करा दिया। तब इससे क्या होगी, अभी एक अच्छी सी एक वाटर प्रूफिंग बन गई। हम जब भी इसके ऊपर जो भी कलर करेंगे, मेरा वॉल जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, पेंट हल्का लाइट भी ग्लो मारेगा, तो ये हमको एक प्लस पॉइंट मिलेगी। इसलिए हम लोगों ने जो नई हमारी कंस्ट्रक्शन वॉल है